वेलकम टू टुडेज रियल एस्टेट वर्कशॉप। आई फील टुडेज रियल एस्टेट वर्कशॉप का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स उतने शायद समझ में नहीं आए इतने लोगों को, इसलिए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ऐप। मुझे मेंबर्स का है पर ऐप में नहीं समझ में आया, क्योंकि अब मैं उसका एक कारण बताता हूँ आप लोगों को। जीवन में ज्यादातर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप लोग इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी गूगल से भी और इंफॉर्मेशन देने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन कभी कॉस्टली नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन पे कभी बहुत पैसा कमाया नहीं जा सकता, और इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जो आज है वो कल नहीं है। विजडम टेम्पलेट वो चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मैं वो देने वाला हूं आज। मेरा एम यहाँ पे वर्कशॉप का ये नहीं है कि सिर्फ आपको ज्ञान देना है, वो तो बहुत छोटा एम हो गया। मेरा एम है आप लोगों में से कंसल्टेंट बनाना। अगर आपने मेंबरशिप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए लिए तो पैसा वसूल हो रहा है, लेकिन मोर देन पैसा वसूल करना है तो आपको कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, और आप बन सकते हैं, क्योंकि जो बातें मैं सिखाने बताने वाला हूं कहीं सिखाई बताई नहीं जाती, लेकिन उनकी जरूरत बहुत लोगों को है। और आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे डालना है रियल एस्टेट कंसल्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, कुछ भी इंग्लिश अपनी कर लेना। People will come to you and you will start your consultation. मेरी फीस ज्यादा है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड everything. आप उससे 1/10 फीस ले सकते हैं, मेरे से 10वां हिस्सा ले सकते हैं, 20वां हिस्सा ले सकते हैं। मेरी फीस बहुत हाई है, मेरी फीस आप लोगों की 2.5-3 साल, छोटी मेंबरशिप का 2.5 साल, बड़ी मेंबरशिप का 2 साल का फीस है 45 मिनट्स की। सो आप लोग को जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो, एज कुछ मर्जी हो आपसे लोग लेने आएंगे। 24 साल का डॉक्टर भी चलता है, 23 साल का पायलट भी चलता है, जरूरी नहीं है 45 साल पे ही पैसे कमाएगा, स्टार्ट वहां से ही करना होता है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू, प्लीज टाइप ई, एंड अगर सुनकर कुछ मजा आ जाए तो MAG लिख देना, ठीक है। ID करो उस सिचुएशन के साथ तो ID कर देना। बेहतरीन 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक्स इज वॉट आई विल कवर, बाकी वो लाइव जो मैं बाद में कवर करता हूँ तो एंड में करूंगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज 3 टॉपिक्स आई विल कवर। फर्स्ट आई विल कवर अपना घर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैसे बना सकते हो जिसके पास पैसे ज्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरा आई विल टेल अबाउट द घर के अंदर प्रॉपर्टी के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं शुरू में ही, और ये आप बताओ कि होने के बाद तो कांड हो गया, फिर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकीलों के चक्कर काटते रहो, नहीं, पहले ही अपनी फैमिली में भी आप डाल दोगे और ये टेम्पलेट ज्ञान ले लोगे और ये ज्ञान पेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैं कंसल्टेशन का बेसिस बता रहा हूँ कि आई कैन प्रिडिक्ट, एंड वो आप लोग भी हाँ में हाँ मिलाओगे, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगा कि जब आज के दिन बड़े शहरों के अंदर जेंट्री विल कॉल द शॉट्स इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, ये प्रोजेक्ट एक जो होगा आपका वो अप्रिशिएट कर जाएगा 3 गुना, और दूसरा वहीं पे इसी के बगल में 1.5 गुना ही कर पाएगा ओवर एक्स पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी लगा लो, डिपेंडिंग ऑन इसमें रहे कौन रहा है, ये चीज मैं बताऊंगा। और फिर एंड में तो मैंने जो आपको पहले बताया था वो कवर करूंगा ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ज्यादातर चीजों जगह आज के दिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी नौकरियों में जो तनख्वाहें हैं वो ऐसी हैं कि वो अकेले बड़े शहरों में घर नहीं खरीद पा रहे, ज्यादातर के लिए बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल, चिल्ड्रन हु हैव जस्ट गॉट अ जॉब, गेट गॉट मैरिड एंड एज ग्रुप इज बिटवीन 25-30। डू यू एग्री विद दिस और नॉट, प्लीज टाइप ए कि नहीं खरीद पा रहे ज्यादातर आप सारे। और जो अब ऐसा नहीं है कि IIT IIM वाले 70 लाख का पैकेज है, नॉर्मली जो पैकेजेस मैं अच्छे वाले भी मान रहा हूँ, मैं 4-5-6 लाख साल का पैकेज की बात नहीं कर रहा, पर 10-20 लाख वाला पैकेज भी ले लो, अकेले नहीं लिया जा रहा। अच्छा, पेरेंट्स हैव गॉट इनटू अ जोन वेयर एंड दे ओन ए हाउस समवेयर, छोटा शहर बड़ा शहर, एंड दे आर प्लेइंग FD, दे हैव जस्ट रिटायर्ड। जितने भी बच्चे 25-30 साल की उम्र में हैं या 22-30 साल की उम्र में है, इनके पेरेंट्स विल बी नॉर्मली 52-60, 30 साल का एज ऐड कर लो, 30 साल। मदर तो यंग हो सकती है, मदर पर हाउसवाइफ होंगी, फादर की बात ज्यादा करेंगे क्योंकि पैसे वो कमा रहे हैं, तो वो अब निपटने का काम कर रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा FD में और थोड़ा उनने अपना घर बना लिया, उनके पास भी पैसे हैं,
पर उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि कोई एक घर खरीद सके। सेम वे दो सिबलिंग्स हो सकते हैं कि दोनों, एक 28 साल का सिबलिंग है, एक 25 का सिबलिंग है, दोनों कुछ कुछ कर रहे हैं बट अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो पर से नॉर्मल एम्बेसी वाला चल रहा है, ब्रुकफील्ड का चल रहा है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं और एक वो फंड हो जाता है 10-15-20 हजार करोड़ का, एंड उसमें वो लोग एसेट्स खरीदते हैं, उनको किराए पे चढ़ाते हैं और उस किराए को वो क्वार्टरली बांटते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ दे गो अबाउट इट, ठीक है, एक सेकेंड आप होल्ड करना, ठीक है, दैट इज हाउ दे गो अबाउट इट। ठीक है, उसमें आपका एंट्री एग्जिट इजी है, लेकिन उसमें आप 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 रुपए तक लगा देते तो उससे कहीं पहुंचते नहीं। ऐसा नहीं है कि उन एसेट्स की वैल्यू को ओवरनाइट डबल हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि रेंट को बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यस, वो खेलने के लिए अच्छे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा एसेट ओन नहीं कर सकते जिसमें आप खुद रह सकते हैं। बट हेयर वॉट हैपन्स इज, सिंस यू बीइंग ए यंगस्टर, अगर आप मुझे देख रहे हैं, यू आर ऑन ए ट्रैजेक्टरी लाइक दिस, ये तंखा है, ऐसे कमा रहे हो, ठीक है, आपका भाई सिबलिंग है वो भी ऐसी ट्रैजेक्टरी में, आपके पेरेंट्स ऐसी वाली पे हैं, ऐसे तो नहीं जा रहे हो पर वो ऐसे वाली में है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर तीन लोग मिलके अगर घर ले लें, ससुराल पक्ष से मिक्स करके ले लें, अपने पेरेंट्स से ले लें, साले के साथ, भाई के साथ, कैसे भी करके, और वो ओनरशिप आप एक्चुअल में जिन जिन की है उनकी बीवियों के नाम पे लेंगे भी। ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स के साथ मिलके ले रहे हैं तो मम्मी के नाम पे ही और बस आपकी वाइफ के नाम पे, यानी कि वाइफ खरीदना नहीं देगी, फिर वो उनके नाम पे होगा सबका, जैसा जो रेशो है, एटलीस्ट आप उसमें घुसे, वो बना, उसके बाद उसका रेंट खाओ, उसमें रहने का देख लो, अगर एक आदमी रह रहा है तो बाकी दो को वो जो मार्केट का रेट है वो दे सकता है। वो किटी पार्टी की तरह है, किटी पार्टीज में लेडीज क्या करती हैं, वो जैसे पहले 1,000 रुपए होते थे कई साल पहले, फिर 2,000, 10,000, 20, उसकी सब ऐसे ऐसे किटी डाल देती हैं, अकेले उनके पास पैसा नहीं होता था कभी भी कोई बड़ी चीज लेने का, पर 10 ने डाला तो पहले इसकी खुलेगी, फिर इसकी खुलेगी, फिर इसकी खुलेगी, इस तरह करके होता था। या फिर वो कई बार तो चिट फंड वगैरह का भी सिस्टम इस तरह का चलता, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट द थिंग इज कि आप एक ट्रैजेक्टरी में, आज आप एक पूरा घर नहीं ले सकते, आप 1/3 ले सकते हैं, यहाँ पर आप हाफ ले सकते हैं, यहाँ पूरा ले सकते हैं। जब तक पूरा लेंगे तब तक ये वाले की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 33% भी तो 66 के इक्वल हो गया ना उस टाइम पे। तो उस चीज को करते करते अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप तीन एसेट्स बना ले तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कंपनी के नाम पे भी लिया जा सकता है, कंपनी में फिर शेयर होल्डिंग ली जा सकती है, ये एक और बैटरी है, पर उसमें सीएवी का खर्चा है, थोड़ा और आपको लेना पड़ेगा कि भाई आपने तीन जनों की कंपनी बना दी, तीन कंपनी में आप लोगों के शेयर्स हैं 33% उस तरह आप खरीद लो। फिर अगर आपको शेयर बेचना है अपना तो एक दूसरे को बेच सकते हो, क्योंकि इसमें बार बार चीज नहीं बेच सकते कि आधा कमरा बेच दिया, बाथरूम बेच दिया, बालकनी बेच दी, तो ये भी। अब इस वाले में आप कुछ कमर्शियल अगर कोई कहीं अच्छी आ रही है या कोई स्टोरेज स्पेस, वेयर हाउस, कोई इस तरह का, वो सब प्रॉपर्टियां भी कंपनी के नाम पे ले सकते हो जिसमें आप हिस्सेदार हो। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। फिर जब आप कंपनी का इस तरह कर लेते हो, फिर आप शेयर होल्डिंग किसी मामा जी को भी दे सकते हो 5%, कोई भी आ सकता है फिर उसमें। ये चीज जो आप सब, पहली बात तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस बेसिक चीज, प्लीज टाइप। वो पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, एलएलपी की जगह प्राइवेट लिमिटेड ही खोल लो, क्योंकि उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड में खोल लो, क्या दिक्कत, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, ठीक है। ये चीज बेसिक चीज आप लोगों ने समझी, प्लीज टाइप यू इफ यू अंडरस्टूड दिस बेसिक, कि यार अकेले नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह डालते रहोगे करते रहोगे तो झगड़ोगे नहीं आप, ठीक है। अगर अगर किसी को एक ही बेटा है ही नहीं परिवार में ज्यादा सदस्य, माता पिता गरीब है, तो ये फिर आपके लिए एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स का हाल ऐसा ही है, वो नहीं कर सकते ज्यादा, वो आधे तो उनके कानूनों में फंस जाएंगे। तो गवर्नमेंट में जाने के बहुत नुकसान है। आप में से हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग टू मी आर गवर्नमेंट सर्वेंट टाइप जी, फिर उसे बीवी के नाम पे करना पड़ेगा, फिर पिताजी बीवी के नाम पे आपको देने को तैयार नहीं है, फिर वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स का तो प्रॉब्लम है ही है लाइफ, जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत परमानेंटली आपको कुछ मिल गया अच्छा,
बट आपका लाइफ में बहुत कुछ चला जाता है, ठीक है, क्योंकि रूल रेगुलेशन ऐसे हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वाइफ को डालना पड़ेगा डायरेक्टर वगैरह करके, हो सकता है सारा काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर आप नहीं खेल सकते क्योंकि यू कांट बी ओनिंग ए कंपनी बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, डायरेक्टर नंबर आपको नहीं बना सकते, ठीक है। यू कैन बी ए शेयर होल्डर इन एनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, बट प्राइवेट लिस्टेड में आप नहीं हो सकते, ठीक है, समझ गया आप ये बेसिक चीज। तो ये आपको इस तरह करना है लाइफ में, इससे आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो उसमें पैसा जाएगा 3 साल में, ठीक है, वाइफ भी गवर्नमेंट में, तो आपकी पूरी दुकान बनता है, ठीक है। ये अपने आप खुद ही सोच, हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट, तो एक मीडियोकर सी लाइफ जियोगे, कभी लाइफ में बहुत रिच नहीं बनोगे पर कभी पुअर भी नहीं बनोगे, अपना गुजारा चल जाएगा, ठीक है। बट नथिंग टू फील एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ इफ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वाइफ, नथिंग टू बी, बिकॉज इतनी जो पॉसिबिलिटीज इंडिया में वेल्थ क्रिएशन की, अभी 3 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन जाएगा अगले 15-20 साल में, वो आप खो देंगे। आपको सिर्फ 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगी, 2 बार आपका डीए बढ़ेगा, ठीक है, और वो उस इन्फ्लेशन से लिंक्ड है, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े मेरे हिसाब से डाउटफुल है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन एक्चुअल वाली जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल इन्फ्लेशन में एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन तो है ही नहीं कि आपको फॉरेन कंट्री जाना है, आपको कहीं अच्छा घूमना है, या आप कपड़े ही अच्छे पहनने, वो नहीं है, वो सिर्फ रोटी कपड़ा आटा दाल चावल, वो बेसिक चीज पे। पर वो ये मेरा लेफ्ट राइट हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट वाला नहीं बनाना चाह रहा, बट मैं रूल्स के हिसाब से बताना चाह रहा था आपको, ठीक है, आप समझ लो ये पॉसिबल है। गवर्नमेंट में ये है कि फिर आप कंपनी वपनी नहीं बना सकते, फिर आप डायरेक्ट खेलो बिना कंपनी बनाए, अपनी वाइफ ने, आपकी वाइफ ने पैसे डाले 33%, उसके नाम पे 33% हो गया, मम्मी ने 33 डाले, मम्मी का हो गया, भाभी ने डाले 30, तीनों महिलाओं के नाम पे 33 है, दैट एसेट इज देयर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसको किराए पे कौन मैनेज करेगा, ये करेगा, तो वो आपका होना चाहिए। अगर किराए पे अगर आप मैनेज करेंगे तो बोलो मैं 5% किराया एक्स्ट्रा लूंगा या 10% लूंगा क्योंकि मैं अपना सर पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो या आपका भाई कर रहा है तो वो लेगा, या आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो लेगा। पेरेंट्स 20% भी डाल सकते हैं, वो जो 20 लाख की FD खेल रहे थे पेरेंट्स, जिसमें 5-6% ही ब्याज मिलता है, और अगले साल अगर FD को 21 लाख का होना है तो आप 1 रुपया ब्याज नहीं खा सकते, और महीने का आपने 10,000 ब्याज खा लिया तो वो FD अगले साल भी 20 लाख की। रियल एस्टेट में क्या है, 20 लाख रुपए उनने डाले, 20% उनको हिस्सा मिला, तो वो 20 लाख एक दिन 1 करोड़ भी हो जाएंगे उनके, बढ़ते बढ़ते, जब तक वो जिंदा है तभी हो जाएंगे 5 गुना, जो वो अपने साथ लेके नहीं जा सकते, लेकिन वो एसेट जो छोड़ के जाएंगे अपना हिस्सा, वो 1 करोड़ का होगा, और क्लैपिंग का विषय होगा कि 20 लाख की 1 करोड़ की चीज होगी, अब दोनों भाइयों में या भाई बहनों में या दोनों भाई बहन में 50-50 लाख आ गए, प्लस उनने उम्र भर उसका रेंट खाया। रेंट शुरू में हो सकता है स्टार्ट करे 3.5-4% रेंटल रेट से, जो कि कम है, 3.5-4, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव देखो तो 6-7-8 भी मिलती है, पर मैं सबसे कम वाली से स्टार्ट करता हूँ, 3.5-4% भी अगर आपको मिल रही है रेंटल यील्ड, तो उसमें वो रेंटल यील्ड 7-8 साल में 8% हो जाएगी, 16 साल में 16% हो जाएगी, और 24 साल में 32% भी हो जाएगी। जिनने मान लो जनकपुरी में 1988 में 2 लाख का MIG फ्लैट लिया था, उसका 2.5 लाख का लिया था, उसका साल का रेंट ही 4.5-5 लाख आता है आज के, तो वहां पे रेंटल यील्ड 200% हो चुकी है। इस तरह हम बुजुर्गों को कभी समझा नहीं पाते, क्योंकि द मोमेंट दे आर 55-60 दे फील दे आर गोइंग टू डाई इन 5-10 ईयर्स, दे रियली डोंट नो दैट अ 55-60 ईयर ओल्ड ऑफ टुडे कैन एक्चुअली लिव टिल 95 ईयर्स, इज इट पॉसिबल और नॉट, कीपिंग मेडिकल साइंस, आई एम सेइंग 40 ईयर्स आगे। आज का मैं 85 वाले को 95 का नहीं बोल रहा, क्या भाइयों बहनों 55 साल वाला आपकी मम्मी या कोई आप खुद है, क्या आप थियोरेटिकली गुड चांस है 95 जीने का, तो प्लीज टाइप यस, 95 नहीं तो 90 लगा लो, 85 लगा लो, 85 to 95, 30 से 40 साल जीने का चांस है भाइयों बहनों। अब वो 30 से 40 FD के भरोसे रहेंगे तो उनको FD खानी पड़ जाएगी, 70 में गरीब हो जाएंगे, आपसे पैसा मांगना पड़ जाएगा, और वो प्रॉब्लम आज के दिन जल्दी मरने की नहीं है, लेट मरने का इज दिस थिंग। यू हैव टू प्लान फॉर योर, ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जो भी रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे, यू हैव टू प्लान फॉर ए लॉन्ग लाइफ। शॉर्ट लाइफ के लिए तो कोई प्लान ही नहीं करनी, लाइफ ही खत्म हो गया, खत्म हो गया, चल खत्म, क्या करेगा उसके लिए, क्या प्लानिंग करनी। प्रॉब्लम तो ये है कि 90 साल जी गए तब क्या होगा, 80 से 90 साल अगर आपको जेरेटिक केयर चाहिए और कोई आपको अटेंडेंट चाहिए तो देखो कितने पैसे चाहिए। इसलिए ये वीडियो प्लीज अपने पेरेंट्स को दिखाओ, जो और जो पेरेंट्स बने हुए हैं वो प्लीज फाइनेंशियल एसेट्स में
इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, वो इसके अंदर डालो, और जो रेंट है उसको म्यूचुअल फंड में डालो, उसको म्यूचुअल फंड में डालो। होम लोन बेनिफिट्स इज अ बहुत छोटी चीज, डोंट टॉक अबाउट इट। होम लोन बेनिफिट कुछ नहीं है, वो सब लोन ले लेंगे तो 2 लाख रुपए तक सबको मिलता है, 60,000 छोटी बात मत, 4-5 हजार की बात मत, वो सबको पता है। लोन भी तो 9% जा रहा है। अगर आपके पापा मम्मी के पास 20 लाख रुपए हैं तो वो लोन कहां से लेंगे, क्यों लेंगे? उनने तो एफडी पे 6% कमाना है, वो लोन 9% लेंगे? नहीं लेंगे, वो अपने 20% पे 4% ले रहे हैं, जो उनकी एफडी के 6% से कम है। लेकिन एफडी में डिजिटल पेमेंट हो रही है तो वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करके हो सकता है 4% मिल रहा हो। यहाँ बहुत तरीके हैं रेंट लेने के, आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज है कि ऑफिशियली भी रेंट अगर 100 रुपए आता है तो गवर्नमेंट 70 ही मांगती है, पर ब्याज अगर 100 रुपए आ रहा है तो 100 रुपए ही है, उस सारे पे टैक्स लगेगा। और अगर आपका रेंट 100 रुपए आ रहा है तो 70% ही है, ये भी एक 30 का तो बेनिफिट है ही है हर हालत में। तो दिस इज अ वेरी डूएबल थिंग, एंड आपस में चर्चा करनी चाहिए, एसेट्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, और परिवार में मीटिंग्स में ये बातें होनी चाहिए। जब अलग अलग आप बात करते हो, जूम पे बात करो या व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो या आसपास साथ बैठे हो या दिवाली होली पे गेट टुगेदर करते हो या विजिट करते हो या बातचीत करते हो, तो ये बात करने के अलावा तुम कैसे हो, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और सब ठीक ठाक, और खाना ठीक खा लिया? अरे ये ऑलवेज विद इन द फैमिली टॉक दिस, ट्रीट फैमिली लाइक ए कंपनी वेयर समबडी इज वीपी, समबडी इज सीईओ, समबडी इज समथिंग, योर फादर इज लाइक द बॉस और मदर और व्हाटएवर, एंड देन कीप डिस्कसिंग हाउ यू कैन ग्रो एज ए फैमिली, एंड टेल द पेरेंट्स कि भैया उन पेरेंट्स का क्या होता है आज के दिन, यार हमारा हो गया यार, तुम कर लो यार, हम तो बस अब जीने नहीं वाले। उनको बोलो अगर जी गए तो, नहीं वाले तो फिर दिक्कत ही क्या है, बोलो साथ तो लेके बेटा हम तो छोड़ जाएंगे, ये घटिया सा कुछ है हमारा, वो तुम आपस में बाद में देख लेना, अभी वो सेकंड टॉपिक में सब चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है, व्हाट रॉन्ग्स पेरेंट डू। पर अभी तक आप लोगों को चीज समझ में आ गई तो प्लीज टाइप यू, एंड शैल आई गो टू द सेकंड टॉपिक नाउ, शैल आई गो टू द सेकंड टॉपिक नाउ, अंडरस्टूड? कि भाई कर लो, सब घरों में नहीं हो सकती, ये भी फैक्ट है। कितने घरों में हो सकती है वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ये भी एक कंसल्टेशन का पार्ट है। अगर आप 100 घर लेते हो, जैसे सपोज 384 लोग मुझे अभी राइट नाउ सुन रहे हैं, तो लेट से 400 सुन रहे हैं, 384 को 400 बता देते हैं जो मुझे लाइव अभी सुन रहे हैं। इन 400 में से 200 घरों में तो ये हो ही नहीं सकता, 200 घरों के अंदर कलेश है, जेलेसी है, द्वेष है, मिस्ट्रस्ट है, सास बहू इश्यूज हैं, भाइयों के अंदर कुछ इश्यूज हैं, पेरेंट्स गाजर कर लटका के रखते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, पेरेंट्स खेल खेलते हैं, फैमिली में पावर डायनेमिक्स, पॉलिटिक्स, वो सब मेरे सेकंड टॉपिक में आएगा। तो 400 में से तो 50% कभी भी देख लो उसमें तो हो ही नहीं सकता। बाकी 25% कैसे हैं? डिसइंटरेस्टेड, डिसअफेक्शनेट, लड़ाई झगड़ा नहीं है वहां पे, पर डिसइंटरेस्टेड है। एक बैंगलोर में सरकारी नौकरी पीट रहा है, ठीक है। अच्छा मैं कैटेगरी बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी मैं आंसर चाहता हूँ। जो मैंने पहली वाली कैटेगरी बताई वो है ए, ए आप में से जो उस ए कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ए, ताकि थोड़ा मुझे भी पता चल जाए। 3 ही कैटेगरी है, ए बी सी। जो ए है कि यार सर गुरुजी हमारे परिवार में नहीं हो सकता, आपने आइडिया ठीक दिया, मैं किसी और परिवार को कंसल्टेशन कर दूंगा, बट नॉट पॉसिबल, हमारे यहाँ तो इस चीज के जूत बचते हैं, लड़ाई करते, क्या आप बता रहे हो, मतलब यहाँ तो खाना खूना 100,000, 5,000, 20,000 का तो हिसाब होता नहीं हमारा, ठीक है। तो बहुत लोग ए टाइप कर रहे हैं, प्लीज कर लो जो आइडेंटिफाई करता है। मैं बी बताने वाला हूँ, क्या ए तो ये हो गया, ठीक है, जो नहीं हो सकते काफी लोगों ने ए किया। बी क्या है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन लेकिन कोई ज्यादा प्यार भी नहीं है, प्यार इन द सेंस खुद ग्रो करने की चुल नहीं है। एक आदमी सरकारी नौकर है, एक प्राइवेट में, पिताजी को रिटायर्ड है, तो आपस में बातचीत कर लेते हैं, कभी मिल लेते हैं, कॉर्डियल है, कर्टसी दिखाते हैं, लेकिन कोई पैसा जोड़ने वाली हालात में नहीं, नेचर ही नहीं है। एक ने बैंगलोर में फ्लैट ले लिया क्योंकि उसकी वाइफ वहां नौकरी करती है, वो वहीं बसेगा। एक ने कहीं उत्तराखंड में पेरेंट्स रह रहे हैं, और एक दूसरा भाई की ससुराल वहां पे है, दिल्ली में, नोएडा में, वो या मोहाली में, उसने वहां ले लिया। तो अब 3 अलग अलग जगह में, तीनों के फ्यूचर के इंटरेस्ट अलग है, आपस में विचार नहीं मिलते इन द सेंस कि कहीं इकट्ठे लेके आगे ग्रो कर सके, ना इनको गाइड करने वाला। ऐसे बी वाले कितने हैं? बी टाइप पर बी वाले काफी होंगे, ये भी मेरे हिसाब से कलेश वाले 50 थे, ये वाले 25 हैं, बट हो सकता है कलेश वाले 40 हों और ये 30 हों, ऐसा भी हो सकता है। पर ये दोनों के अंदर 70-75% फैमिलीज निपट जाएंगे।
जो सी है मेरी, जो एकदम करेक्ट होना चाहिए सी, वो वाली फैमिली वो है जो इस चीज को फॉलो करती है। वहां पे एक चटक भाई होगा या पिताजी का टेम्पलेट होगा या उन्हें सक्सेस दे रखी होगी। जो बी वाले होंगे ये वो होंगे जो प्रॉपर्टियों में फंसे होंगे, इनकी प्रॉपर्टियां वर्कआउट नहीं होगी, इनके थीसे इनके क्या होंगे, एक भाई बोलेगा फ्लैट लेना बहुत खराब चीज है, पिताजी बोलेंगे प्लॉट लेना चाहिए, एक बोलेगा नहीं म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो जो बी वाले हैं उनकी फाइनेंशियल आइडियोलॉजी भी बहुत अलग होगी, वो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे। एक FD खेलने में विश्वास करेगा, एक स्टॉक मार्केट खेलने में विश्वास करेगा और पहुंचेगा कहीं नहीं, वो खेल रहा है 5-10-20-30 लाख। आज तक मैंने मिडिल क्लास में किसी बंदे का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं देखा स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का। वो होता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है। वो सिर्फ एक्सेल पे जो फाइनेंशियल यूट्यूबर्स हैं वारिकू वगैरह और ये सब दिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वहां होता नहीं है। जो है जो होती है, जैसे बाल होते हैं ना, बाल अगर ना काटो तो बड़े हो जाए, पर काटते हैं ना सब। किसी के बाल साधुओं के देखे होंगे, योगियों के कितने बड़े बड़े, ठीक है, बाकी किसी के नहीं होते, आपको पता है। महिलाओं के भी बाल काटती नहीं है तो उनके तो बहुत बड़े हो जाने चाहिए, पर नहीं होते उनके, वो भी कहीं ना कहीं ट्रिमिंग काट लेते हैं, नहीं उगते। पेड़ भी एक लेवल के ऊपर नहीं उगता, हाइट भी एक लेवल के ऊपर नहीं उगती, तो कई चीजें का बस उतना ही होता है, पर वो आइडियोलॉजीज हैं ये। तो बी सी एक है, सी में 25% लोग होते हैं जो ऐसा करना चाहते हैं पर कर पाते हैं केवल 5-10%। चाहत होना इज नॉट ए गारंटी कि वो चीज आप कर पाओगे, क्योंकि आपकी चाहत है, आपकी चाहत है पर मेहनत नहीं है। मेहनत क्या है, तीनों को करनी पड़ेगी। पिताजी को जाना है, डील देखनी है, प्लॉट देखना है, फ्लैट देखना है, पैसे डालने सोच है। भिवानी का पिताजी गुड़गांव के फ्लैट में 25% दे दे तो बहुत जोर लगता है। पैसे देने की चाहत है, इस सी कैटेगरी में फॉल करता है, बट फ्लैट के लिए नहीं देगा, कहेगा प्लॉट के लिए दूंगा। प्लॉट वो खरीद नहीं सकते क्योंकि 300 गज 400 गज का ब्लैक एलिमेंट इतना ज्यादा है, वो परिवार में है नहीं। जो लड़के हैं उनके पास व्हाइट इनकम है, बहुएं हैं उनके पास व्हाइट इनकम है, उनने अपना 3-4 साल में आराम से पैसा देना है, धीरे धीरे देना है, एंड वो खरीद ही नहीं सकते। और पिताजी कह रहे हैं मैं 50 लाख दे दूंगा पर प्लॉट ले ले, तो प्लॉट वो ले नहीं सकते क्योंकि 50 लाख कैश से नहीं रह जाएगा। वो प्लॉट लेने के लिए कम से कम 2.25 करोड़ कैश चाहिए या 1.5 करोड़ चाहिए, और फिर वो लोन उतना मिलेगा नहीं, और फिर उस पर प्लॉट ले लिया तो मकान बना नहीं सकते जिसको अलग अलग फ्लोर बना के बेच सको या अलग अलग रह सको, तो एज ए रिजल्ट हो ही नहीं पाता। तो केवल 10% फैमिलीज हैं जो मैंने ये फॉर्मूला बताया वो उसको फॉलो करेंगी। बट आपको एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि होता क्या ना, आप जुड़े हो मुझसे, ज्यादातर लोग इस भावना से जुड़ते हैं ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन है, ये काम मेरे काम का ज्ञान है, मेरे काम का नहीं है, ये तो मेरी फैमिली में नहीं हो सकता। अरे आपकी फैमिली में नहीं हो सकता तो जिसकी में हो सकता उसको तो कंसल्टेशन दे सकते हो, उससे तो पैसा कमा सकते हो। नेवर एवर जब कोई हाई लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, उसको ये मत देखो कि मुझे नहीं। इट इज समथिंग लाइक कि मैं आपको कुकिंग सिखा रहा हूं, आपको कुकिंग सिखा रहा हूं तो आपको चना भटूरा पसंद नहीं, तो बनाना तो सीख लो क्योंकि बहुत लोगों को पसंद है। ये चीज समझ पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर समझ पा रहे हो तो एस टाइप कर दो, समझ पा रहे हो तो प्लीज ऑल ऑफ यू कैन टाइप एस, ठीक है, ऑल ऑफ यू कैन टाइप एस। कि जो मैं बात की भाई तुम्हें चने भटूरे पसंद नहीं है, ये मैंने जो पहला टॉपिक था ये चने भटूरे थे, चने भटूरे 10% को ही पसंद है, 90% आप में से नहीं पसंद। तो भैया वो 10% बाहर तादाद है ना, यहाँ तो आप केवल 400 के करीब लोग ही जुड़े हुए, तो आप सीख लो। जब आप दोगे तो आपको टॉपिक मिल गया कि आपको मैं आज के दिन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना एक चीज, इसको ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये मेरा कभी अलग टॉपिक होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जिसको मजा आ रहा तो बता देना बेहतरीन करके, ठीक है, बेहतरीन करके आप मुझे बता देना, एक सेकेंड। एक सेकेंड होल्ड करना, बेहतरीन चीज क्या बता रहा हूँ कि एक बूमर्स, अंग्रेजी में टर्म है बूमर्स, वो पहले पैदा हुए थे 50-60s वाले, और 50s वाले 40s 50s 60s लगा लो, वो लोग अब अगली जनरेशन को बहुत पैसा देने वाले हैं। अगली जनरेशन जो आप मिलीनियल्स हैं, जो 80s में पैदा हुए हैं, 70s में तो जेन एक्स बोलते हैं, तो मैं इस पर कंफ्यूजन नहीं करूंगा एक्स वैक्स और मिलीनियल, पर मैं बोल रहा हूँ आप जो बच्चे हैं, यंग हैं, 35 से नीचे हैं, You will get lot of wealth. You not know what to do with it also. वो मेरा part of this नहीं है, but lot many people are there outside. जब आप ये सब चीजें सीख लेंगे
तब आपको उनको कंसल्टेशन देनी आ जाएगी क्या करना है, इररिस्पेक्टिव। आप सबसे छोटा शहर, आप कोई उत्तराखंड में या कोई चमोली या किसी का नाम था ऐसा, वहां भी कंसल्टेशन कर सकते हो, महीने की 5 से 7 और साल की 100 कंसल्टेशन, आपकी एक अच्छी साइट इनकम हो सकती है। ये समझदारी की बातें ही बतानी है और अपने उसमें रियल टाइम उनको बताना है। अगर आपको छोटा शहर है तो प्लॉट है, बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है तो फ्लैट है, और ये सब चीजें ज्ञान देना है आपको, ठीक है। तो सबको मजा आ रहा है, अभी मेरे पास दूसरा वो आ गया, एडमिन को आप लिख सकते हैं सारे, अब मेरे पास ये फोन आ गया, नाउ ऑल ऑफ यू कैन राइट टू एडमिन, जो भी मैं पूछूंगा बोलूंगा, ऑल ऑफ यू कैन राइट टू एडमिन, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलेश, कलेश जो फैमिलीज के अंदर होता है उसको प्रिडिक्ट करने के तरीके हैं, और वो कलेश शुरू में ही पता चल जाता है, ठीक है। नो एडमिन ऑप्शन, एडमिन ऑप्शन मिलेगा बाबा आपको, एक सेकेंड रुको, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, सॉरी आई विल, अभी मिलेगा, सेलेक्ट एडमिन नाउ, दिख गया आप, ठीक है, अब दिखेगा आपको एडमिन, ओके ठीक है। नोट्स तो बनाई लो इसके, लड़ाई झगड़े के बीच बताता हूं, प्रॉपर्टी के मामले में ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला, प्रॉपर्टी का झगड़ा होने के लिए प्रिडिक्शन है, सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का झगड़ा होने के लिए परिवार में एक रिक्वायरमेंट है कि ये तो होनी चाहिए, नहीं तो झगड़ा नहीं होगा, वो क्या है, प्लीज टाइप क्विकली, है सब लोग समझदार हैं, है ऑल ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई दृष्टि, मुझे लग रहा था कि ये भी नहीं बता पाएंगे पर सबने सही बता दिया। सबसे पहले, हाँ कईयों ने टू किड्स लिखा लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी ही नहीं है तो झगड़ा कहां से होगा, उसके बाद सिबलिंग चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सिबलिंग नहीं और एक ही बच्चा है तो झगड़ा नहीं होता, तो भी झगड़ा होता है क्योंकि वो पेरेंट्स प्रॉपर्टी पे बैठे रहते हैं, बच्चा कहता है बेच दे, कुछ कर दे, यहाँ खरीदते वो खरीदते, तो ऐसा नहीं है कि उनके कलेश नहीं होते, एक चाइल्ड में भी प्रॉपर्टी का कलेश होता है। तो प्रॉपर्टी का सबसे पहले कलेश होने के लिए इंडियन फैमिलीज में सबसे बड़ी जरूरत है प्रॉपर्टी की। अच्छा, प्रॉपर्टी तो सारी मिडिल क्लास लेके बैठी है यार, मिडिल क्लास की एक और डेफिनेशन भी है कि इनके प्रॉपर्टी होगी कहीं ना कहीं, मतलब आप अगर 30-35 साल के, आपके पास नहीं है तो माता पिता के पास होगी, कहीं ना कहीं दादा की, कुछ ना कुछ की होगी, गरीब गरीब के पास थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, पर प्रॉपर्टी तो है बहुत लोगों के पास और प्रॉपर्टी के कलेश बहुत चल रहे हैं। अच्छा, कलेश कई बार ऐसे हैं कि ये लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो बच्चों की शादी वादी नहीं हो रही, फिर तो एक्सट्रीम केस हो जाएगा, फिर वो बदनाम हो जाएगी फैमिली, पर कई मनमुटाव हैं क्योंकि ये प्रिडिक्शन पहले ही कर सकते हैं। पहले मैं प्रिडिक्शन बताता हूं आप लोगों को, और हर प्रिडिक्शन के साथ, हर प्रिडिक्शन के जो नेसेसिटीज मैं बता रहा हूं उसके साथ अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो मेरे साथ हुआ, या ये मैंने उसके साथ होते देखा, या मेरे कुलीग के साथ हुआ, या मेरे संज्ञान में है कि ऐसा हुआ, तो आपको आईडी टाइप करना पड़ेगा। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ताकि मेरे को ऐसा भरोसा रहे एज ए कंसल्टेंट, विच आई एम ए वेरी गुड कंसल्टेंट, कि ये चीजें ऐसे हवा में नहीं है, ऐसे होती हैं, कई कई चीजें हैं, कई के चीजें हैं, उनको इमिजिएटली आप समझ में आएगा, आईडी या एग्री करके लिखेंगे और जिसमें मजा आ गया कि यार ये तो बिल्कुल ही सही है। सबसे पहली चीज क्या है, जब प्रॉपर्टी में दो सिबलिंग्स में अगर एक सिबलिंग रिलेटिवली लाइफ में अच्छा कर रहा है और एक अच्छा नहीं कर रहा, तो प्रॉपर्टी का कलेश का बीज बो दिया गया है, पेरेंट्स ने ही करना है बराबर। अगर दोनों एक सा कर रहे हैं विद इन प्लस माइनस 10-20% ऑफ ईच अदर है तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक ग्रुप अधिकारी गवर्नमेंट में लग गया और दूसरा चपरास लगा हुआ है या नौकरी नहीं करता या मास्टर जी लगा हुआ है सिर्फ, या कुछ नीचे लेवल पे है जो उतने लेवल पे नहीं है, तो उसमें हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस टाइप, यस और एग्री और आईडी, कि दो दो जो सिबलिंग्स हैं उनमें अगर बहुत वैरायटी का फर्क पड़ गया तो कलेश होगा ही होगा, एग्री। तो ये दिखता है, अब ये कुछ कर नहीं सकता, जो अच्छा है, जो अच्छा वाला है उसको पता हो जाना चाहिए कि उसका कटने वाला है, कटेगा। रीजन उसका एक और है कि जो बच्चा अच्छा नहीं करता वो पेरेंट्स के साथ रहता है, जो अच्छा करता है वो शहर छोड़ के चला जाता है छोटा, अब शहर छोड़ के चला जाता है, अच्छा करता है तो नोएडा में, गुड़गांव में, बैंगलोर में, हैदराबाद में फ्लैट ले लेता है, अब वो छोटे शहर में जाके तो नहीं रहेगा, बोगा में जाके तो नहीं रहेगा, वो जाके आपके कैथल में तो नहीं रहेगा, जींद में तो नहीं रहेगा, कि वो मेरा पुश्तैनी घर है,
वहां पे मैं कब्जा करूंगा, मेरे भी दो कमरे हैं, मैं अपना सब छोड़ के, वो नहीं, वो और वो जो निखट्टू है, निखट्टू लाल है, वो वहीं रहता है, वहीं माता पिता की सो कॉल्ड सेवा कुछ नहीं करता, मजे उनसे करवाता है, पर कभी कभी उनके पेटीएम का काम कर देगा, फोन का कर देगा, बिजली के बिल कर देगा, एक बार अस्पताल ले जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी को भी पता है मेरा वाला निकम्मा है, मुझे इन सास ससुर की अगर मैं सेवा कर लूंगी तो वो बड़ी बहू तो आती नहीं कभी, या छोटी जो भी छोटा बड़ा कोई भी भार है इरेस्पेक्टिव, तो मेरे पास एक्सेस है और सास को भी पता चल जाता है कि इसी ने मेरा करना है, तो धीरे धीरे वो कपल, उस जो पेरेंट्स वाला कपल होता है वो उस कपल के पास आ जाता है, तो ये प्रॉपर्टी का बीज बोया गया और इसको वो अपने चाहे अपने ब्रेन में जो पेरेंट्स होते हैं उनको, क्योंकि बच्चे हैं अब उनको पता है कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने मन को गालिब कैसे कर लेंगे कि छोटे वाले की तो किस्मत ही खराब है, या हमने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, या बड़े वाले पे जो भी छोटा बड़ा जिसके साथ भी हो रहा है, एंड ये उसकी तो किस्मत अच्छी है, उसका तो ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है, ठीक है, क्या है, ठीक है, तो ये चीज से अच्छा बहुतों को मजा ही आ रहा है, ठीक है, ये आपको पैटर्न दिखेगा, जहां भी पैटर्न दिख रहा है उसको पहले बता दो तेरे साथ ही होने वाला है, क्योंकि वो कहेंगे पैतृक, पैतृक जो है पैतृक, अब आप बताओ गांव के ट्यूबवेल के पानी के नीचे नहाने का मजा लेने के लिए आपको गांव में उस ट्यूबवेल के नीचे लेटना ही पड़ेगा ना, आप गुड़गांव के फ्लैट नंबर 100 में लेके तो मजे ले नहीं सकते, अब वो छोटा भाई कह रहा है आजा तू ले ले मजे, आजा ले ले तू मजे, मैं कहां कब्जा कर रहा हूं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं ले ले आजा, आप कहते नहीं मेरे को बेच दो और मेरे को दे दो ट्यूबवेल का आधा हिस्सा, कहते नहीं बिकेगा तो बिकेगा, तो समझ में आ रही है आपको बात, अगर आपको ले से वहां चाइना बॉर्डर पे जो इंडिया है उसके मजे लेने हैं तो वहां जाके बैठना पड़ेगा, नहीं बैठोगे तो चाइना वाले आगे बैठ जाएंगे, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मेरा है, हक है मेरा, हक क्या है आपको याद रखना है कंट्रीज के बीच में लॉ के हिसाब से, अदरवाइज ऑक्यूपेशन इज 99% ऑफ द लॉ, जिसने जिस देश के पार्ट पे कब्जा कर लिया जो जहां बैठ गया वो आपका है, अब गांव के गितवाड़े, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्म, हरियाणा वाले टाइप यस, गांव के गितवाड़े क्या होते हैं आपको पता है, टाइप यस एनीबडी, कोई तो होगा है शरावत साहब आप हैं, ठीक है, अब गांव के गितवाड़े इज अ वेरी डर्टी प्लेस ऑफ द गांव, जहां पहले गोबर वोबर और ऐसी बेकार चीजें ही रहती हैं गंदगी, उस पे कब्जा करने के लिए आपको गांव में ही रहना पड़ेगा, आप शहर में रह के नहीं कह सकते गितवाड़ा बेच दे मेरा हिस्सा पेटीएम कर दे, नहीं होने वाला, आपको लेट गो करना पड़ेगा, इट इज बेटर दैट आप मुंह से ही कह दो तू ही ले ले, भाईचारा अच्छा रहेगा, ये मैं गाइड करता हूं ऐसे, दैट इज वन, दूसरी चीज सच्चे मंडेन चीज की किसकी वाइफ ज्यादा सुंदर है कैन क्रिएट ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यू विल नॉट एग्री, सम मे नॉट एग्री इमीडिएटली, आई हैव गॉट वास्ट एक्सपीरियंस, एक सिबलिंग की वाइफ बहुत सुंदर है, वो सुंदर अब वो करता क्या है, गॉट नो मीनिंग, बोथ ऑफ देम आर डूइंग व्हाट, सुंदर वाली जो होगी उससे लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी, क्या यार गुरुजी खां खां से चीजें लाता है, बकवास ऐसे कैसे होता है, ये क्या साइकोलॉजी, कितनों ने ऐसा देखा है टाइप आईडी, मैं ये नहीं कह रहा कि सुंदर वाली जिसकी है वो चोरी कर वो हिस्सा मारना चाहता है या दूसरे वाला मारना चाहता है उसकी बात नहीं कर रहा, सतपाल जी कह रहे हैं सच है, बहुत लोग आईडी कह रहे हैं, जिनने सीन नहीं किया वो कर लेना, इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि जो सुंदर वाली है जो हिस्सा उसको मिलेगा या दूसरे को, वो पैटर्न चेंज होता रहता है, पर सुंदर वाली क्यूट वाली पता नहीं किसको क्यूट लग जाए, सास ससुर को क्यूट लग जाए ना लगे, या कई बहुत सुंदर लड़कियां पतिवीज भी लग जाती हैं, वो डिपेंड करता है कि हाउ वाइब्स कैसे आ रही, पर दोनों बहुओं में से लगेगी एक अच्छी। अच्छा अब एक और कॉम्बो बताता हूँ बहन भाई का, बहन भाई के में आज के दिन बीज बोया गया, क्योंकि हरियाणा कह लो नॉर्थ इंडिया कह लो बहुत सब्सक्राइबर्स आते हैं, बाकी साउथ में भी होता होगा, बहन को हिस्सा देते नहीं कानून चाहे कुछ मर्जी हो, कहते कानून है तो कानून से ही लेकर आते, क्यों, क्योंकि हमने तेरी शादी में इतना पैसा खर्च कर दिया, प्लस तू माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगी बुढ़ापे में जो मैं रखूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि यार अगर प्रॉपर्टी नहीं होती या कम होती
तो भी तो बहन की शादी होनी थी और तो भी तो माँ बाप का सो कॉल्ड ख्याल रखा जाना था, और प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है तो भी यही चीज एप्लीकेबल है, 50 की तो भी एप्लीकेबल है। तो उस बहन को डिनाई करना है क्या? इस अपने लॉजिक क्लियर, आप देखो आप मेरे भले सब्सक्राइबर हैं, भले आप मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, पर आपकी सोच ऐसी हो सकती है कि भाई साहब वो बहन आती है हर साल सूट ले जाती है, कभी मम्मी उसको टूम दे देती है, कभी उसको वो फ्रूट जाते हैं, कभी उसी दा जाता है। पहले टाइम में ऐसा होता था क्योंकि वो जो लैंड होती थी विलेज की, वो विलेज की लैंड वो गोत के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से होती थी, आपके उसके हिसाब से होती थी, बाहर वाले आके रह नहीं सकते थे, तो उस प्रोड्यूस जो निकलता था लैंड की कोई वैल्यू नहीं थी, लैंड में भैंस की दूध की और फसल की वैल्यू थी, उसमें से बेटियों को हिस्सा दिया जाता था, आते थे उसका घी बांध देते थे, उसको अनाज दे देते थे, फिर कुछ कपड़े दे देते थे, तो कुछ कुछ सिस्टम रहता था ठीक है, और वो जमीन वहीं रहती थी लड़के के पास और वो निकलता रहता था इस सिस्टम पर। पर अब यार वो सिस्टम तो खत्म हो गया, अब आप फ्लैट में बैठे हो, आपका मंगोलिया में फ्लैट है, अब उसमें कौन सा वो वाला सिस्टम है गोत वाला, कौन सा आपका वो वाला हो जाएगा, 50 करोड़ का फ्लैट है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टू कमेंट ठीक है ओके। सो वेन यू गिव थिंग्स टू द डॉटर दैट डजंट मीन दैट वो प्रॉपर्टी नहीं लेगी भाई। मंगनोलिया में 50 करोड़ का फ्लैट है, 25 करोड़ की कौन से आप लिफाफे बांट दोगे दामाद जी को या बेटी को, या फ्रूट दे दोगे या सूट दे दोगे, बोल तू रख ले यार तू सूट फूट रहने दे कुछ मत कर, प्रॉपर्टी आती आती। ये अगर अगर ये नहीं है तो ये 100% बीज है, क्योंकि देखो रिश्ते कहते हैं ना रिश्ते टूट जाएंगे, देखो 5-10 करोड़ के लिए तोड़े जा सकते हैं रिश्ते, महंगाई बहुत हो रही है, 5-10 लाख के लिए शायद ना तोड़े जाए, लेकिन जहां 5-10-20 मेरे पास तो आते हैं ना केस, वो कहेंगे क्यों भाई कितने माँ बाप का ख्याल, बोल माँ बाप का ख्याल में क्या कर, ये बेच 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 4 करोड़ तू रख, 4 करोड़ 2 करोड़ इनकी एफडी करा लो, ख्याल रखने के लिए लाइन लग जाएगी लोगों को ख्याल रखने की। ये कब से लड़कों ने ये कब से किया कि मैं माँ बाप का ख्याल रखूंगा, माँ बाप पे खर्चा करूंगा, तो क्या खर्चा उतना हो रहा है जितनी तेरे को प्रॉपर्टी मिल रही है? कुछ तो उसमें फेयर वैल्यूएशन डाल दो यार। मान लो एक एक आपको 5 करोड़ की इनहेरिटेंस आनी है, तो 2.5 करोड़ की बहन की बनती है, 2.5 करोड़ की भाई की बनती है, अब भाई कहता है मैंने शादी पे ज्यादा खर्चा कराइए क्या, 50 लाख काट ले, नहीं वो उस टाइम पे 30 लाख किया था तो आज के 80 लाख के बराबर है, 80 लाख काट ले, मैं माँ बाप का ख्याल रखूंगा, ख्याल रखने में 40 लाख काट ले, नहीं उसको 20 लाख और काट ले, अरे कुछ तो दे 1.5 करोड़ तो दे, कोई तो कैलकुलेशन कर, विनर टेक्स इट ऑल क्या होता है, भूल जा तू। और हो सकता है माँ बाप की सेवा की नौबत ही ना आई, माँ बाप बिल्कुल चलते 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 खाते पीते चले गए, फिर तो आपकी लॉटरी खुल गई। तो ये तो सबसे बड़ा रीजन है, बहन भाई में तो ऑलमोस्ट 100% है लड़ाई होना, बहनों के अंदर भी होता है पर रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि बहनों के अंदर प्रॉपर्टियों का ये देखा गया अमूमन प्रॉपर्टी सारी बिक के हाफ हाफ हो जाती है, वो फिजिकली ओन नहीं, मतलब फिजिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा, कुछ कहीं है, कुछ दुकान है, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, कुछ छोटी चीजें ये वो क्या करते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, मौसमी है, अनार है, अब इनको कैसे बांटे, कौन सा महंगा है बताओ, आप मुझे बताओ पाइनएप्पल एप्पल और अनार और कौन सा है, एक मौसमी में सबसे महंगा कौन सा होता है, कैसे डिवाइड करोगे, उसका कोई तरीका नहीं है, उसको काट के उसका जूस बना के जूस को आधा आधा कर लो ठीक है, कौन चक्कर में डले यार, क्या किसकी वैल्यूएशन है पता ही नहीं ठीक है, और आज तुम बांट लोगे कल को चेंज होगी कहीं से खरखौदा के वहां से वो चला गया कोई, वो किला पड़ा था पता नहीं कितने का हो गया, आपने उसकी जगह कुछ ले लिया, फिर लड़ाई कर रहे हो आप ठीक है, वहां कंपनी आ गई जी मारुति आ गई ये सब होते, बोलो जहां जो है उसको हाफ हाफ कर लेंगे, सारा बेच देंगे एक एक करके बेच देंगे, हाफ डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय, प्रॉपर्टी ऐसे चार है एक बार में सारी बिकती नहीं, एक बेची डिवाइड बाय टू, दूसरी बेची डिवाइड बाय टू, तीसरी बेची डिवाइड, यहाँ तो बहुत सीधा है, प्रॉब्लम तब है जब मेरे को रखनी है, फिर तू इतना ले ले तू मुझे दे दे, कई स्टेज में ऐसा आता है कि वो कहता है बड़े भाई छोटे को या बड़ी बहन छोटे को, छोटी बहन बड़े को या कुछ कहते हैं तू ये कर ले, पर इसमें 40 लाख फिर तू मुझे दे दे, अब उसके पास 4 लाख भी नहीं देने को या 5 लाख देने की भी नियति, अब वो खासे बराबर होगा, क्योंकि कई बार तो प्योर आप एकदम डिवाइड नहीं कर सकते ना, आपकी ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी, दोनों में वैल्यूएशन गैप है, एक आदमी अगर एक रखेगा तो इस वैल्यूएशन गैप का 50% इसको देगा ताकि वो तराजू बराबर हो जाए, उसके लिए जो 500 ग्राम का वो डालना है बट्टा वो है ही नहीं आपके पास, तो करो कलेश फिर
साथ रखना नहीं चाहते। अच्छा, कई बार पेरेंट्स अलग अलग लिख जाते हैं अपना वो बढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। पेरेंट्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम राजा राजवाड़े हो, तुम्हारी ये प्रॉपर्टियां लाखों साल चलने वाली है और तुम्हें जरूरत, तुम बोलो बेटा ये सब आधा आधा है तुम्हारा, कर लेना, बेच लेना, रख लेना, नहीं कर लेना। ये कंसल्टेशन आपको देनी बतानी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं अपने मन में सोच लेते हैं वो देहरादून वाला फ्लैट तेरा और द्वारका एक्सप्रेसवे वाला तेरा। अरे भैया देहरादून अलग जगह है, द्वारका एक्सप्रेस नहीं, देहरादून वाला बड़ा फ्लैट है, वो तीन गुना बड़ा फ्लैट भी यहाँ के बराबर नहीं है। अब वो आलू प्याज की तरह तोल देते हैं। अरे भैया आलू प्याज अलग, मतलब आलू का रेट अलग है, प्याज का अलग है, टमाटर का अलग है, और किसी टाइम में कुछ भी हो सकता है। अब टमाटर का आज का रेट जो है वो 6 महीने पहले के हिसाब से नहीं है ना, कुछ हो गया। अब अगर टमाटर किसी को हिस्से में साथ आ गए तो दूसरा भाई बहन तो रोएगा, वो कहेगा तो 200 रुपए केजी हो गए भाई साहब, ये क्या बांटा आपने, मम्मी पापा दोबारा बटेगा, नहीं बेटा तेरे पापा बांट गए अब तो ये ऐसी रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई आप लोग को? ठीक है, देखो प्रीवियस जनरेशन की वजह से नहीं है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम पूरे परिवार की वजह से, परवरिश की वजह से। पेरेंट्स का लालच होता है, पेरेंट्स ये झूठ बोलते हैं सारे पेरेंट्स कि हमारे बच्चे बराबर हैं, क्योंकि ये हमें सूट करता है, आपको सूट करता है, सब बच्चे बराबर नहीं है क्योंकि पेरेंट्स बराबर नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पेरेंटिंग का, आप में से जो जो पेरेंट्स बन चुके हैं ऑलरेडी वो पी टाइप कर दें, जो भी पेरेंट्स हैं पी टाइप कर दें, जो मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं मुझे टाइप कर दें पी सुन रहे हैं, और जो पेरेंट्स नहीं हैं उनके पेरेंट्स तो होंगे, मैं आपको बताता हूं। दो भाई, बड़े भाई की शादी हुई तो माताजी ने 10 तोले टूम डाली, टूम बोलते हैं गोल्ड, ठीक है, बहू के गोल्ड था 25,000-30,000। दूसरे बेटे की शादी हुई तो माताजी ने डाली 20 तोले, अब गोल्ड था 50,000। अब को बोले कि यार ये क्यों किया, अरे उनका ब्यों तो अलग हो गया ना, टाइम अलग हो गया, उस टाइम कुछ बिक गया, मूड अच्छा हो गया, या समाज में जो वो विद्या पे बैठते हैं जहाँ शादी वादी होती है वहां शो भी दिखानी पड़ती है ना, बताना पड़ता है कि क्या दिखा रहा है, वो एक ट्रेडिशन होता है ताकि कल को कुछ लड़ाई झगड़ा हो तो पता हो किसने किसको क्या दिया था, तो आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है उसकी, तो मतलब ट्रेडिशन है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, नॉर्थ इंडिया में तो है, ठीक है। तो वो अपनी पहले 10 ही तोले दे रहे थे भाव को, वो अलग बात है कि वो देकर वो फिर सास के लॉकर में जाएंगे, वो अलग स्टोरी है, पर मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ फोटो खिंचाने के चक्कर में अलग अलग। यू आर नेवर द सेम पेरेंट, इफ यू आर ए पेरेंट टू टू किड्स, द फर्स्ट चाइल्ड केम यू आर एट 27 ईयर ऑफ एज एट एक्स पोजिशन इन लाइफ, द सेकेंड चाइल्ड केम एट 32-31, यू आर एट ए डिफरेंट पोजिशन, योर अवेयरनेस लेवल्स वर मोर लेस और वॉट एवर डिफरेंट, योर फाइनेंशियल स्टेटस वर डिफरेंट, मोर ओवर पहले वाले में आपने शायद कुछ यहां ज्यादा दिया हो, इमोशन से ज्यादा दिया हो, पर मटेरियल चीजें देने का उतना नहीं था। दूसरे वाले में आपके इमोशंस के मामले में आप थक गए, एक्साइटमेंट कम था या जोश ही नहीं था, पर आपको एहसास है एज ए पेरेंट कि नहीं यार इसका ये छोटा वाला है, तो उसको आप मटेरियल चीजों से बराबर करने की कोशिश करते हो, पहले वाले को लाड से करने की कोशिश करते हो, पर बराबर कभी नहीं हो पाता वो, क्योंकि जब बचपन में तो वो लगता है वो छोटू बेबी होता है तो ओले 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 ओले, जितना बड़े पहले वाले को ओले ओले सुनने को मिलता है उतना दूसरे वाले को नहीं मिलता। हाउ मेनी ऑफ यू आईडी विद दिस टाइप आईडी, वो अब आप कहते हो तो क्या लव है, कम है, लव की तो अपनी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाउ मेनी ऑफ यू, नहीं हो पाता यार। लड़का लड़की में भेदभाव है, लड़की लड़के में भेदभाव है, लड़की लड़की में भेदभाव है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे आप भी बड़े हो गए हो सारे, आपके पेरेंट्स होंगे आपके, तो जो ज्यादा कहना मानता है वो बच्चा अच्छा लगता है, टाइप यस और नो, जो भी बच्चा कहते ही काम करता है, जी पिताजी, ओके पापा, ओके मम्मी, वो अच्छा लगता है, और जो कहता है क्यों करो, नहीं पहले एक्सप्लेन कर, नहीं इससे क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें लालच किसका है, पिताजी का, माताजी का, लालची हो आपके, आपके लिए कोई नौकर टाइप है, आप नौकर में पसंद कर रहे हो या बच्चा, बच्चा तो दोनों बराबर होने चाहिए, आप ही के निकले, पर नहीं। अब यहां तक कि
बहुत अगर ज्यादा कंट्रोल में आ जाए और नमस्ते अच्छी कर ले और कुछ छोटा मोटा चाय पिला ले और आपके रिश्तेदारों के आगे थोड़ी नौटंकी कर ले अच्छा होने की, आपको भी पता है नौटंकी हो रही है, पर कोई बात नहीं, रिश्तेदारों के सामने तो हमारी रख लेती है, ये छोटी वाली तो वहां भी नहीं रखती, मतलब तो भी आप कहोगे यार ये वाली अच्छी, ठीक है। तो बराबर बराबर कैसे हो सकते हैं? एक सेकंड, बराबर कैसे हो सकते, कभी कुछ बराबर नहीं होता। आप कहते नहीं हम तो बराबर है, यही एक निकम्मा है और एक अच्छा है। समाज में जो आप जिसको निकम्मा कह रहे हो समाज उसको अच्छा कहता है, और आपको जो अच्छा लगता है समाज उसको निकम्मा कहता है। बट पेरेंट्स की डेफिनेशन अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड होती है। पेरेंट्स का बराबर करना सिंड्रोम से कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं टाइप आईडी, जो पेरेंट्स के अंदर एक भावना होती भी, अब तुम तो अलग अलग बन गए पर हम बराबर करके जाएंगे। मुन्ना ये अलग अलग तो तुम बन गए अपनी किस्मत से, लेकिन हम छोटे वाले को या बड़े वाले को या जिस वाले को भी बराबर करके जाएंगे। बराबर वाला सिंड्रोम कितने लोग अफेक्टेड है। पेरेंट्स का काम होना चाहिए जहां भी इस चीज में अलग होगा। अब मैं आपको और बताता हूं, एक भाई है उसके बेटी होगी और उसने एक ही बेटी करी, दूसरे भाई के दो बेटे हो गए, तो जिसके बेटे हो गए उसका पल्ला भारी हो गया प्रॉपर्टी के मामले। वो कहेंगे इसकी तो बेटी है छोरी है, ये इसने देखे के करेंगे, ये तो आगे जाएगी नहीं, हमारा ये खानदान है। हाउ मेनी ऑफ यू, आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और इट इज करेक्ट, बट दिस इज द सोसाइटी का हार्ड ट्रूथ। बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज में, हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद दिस। एक क्लासिकल मेरे पास कंसल्टेशन आई थी रोहतक से, सांपला के पास एक गांव है, वहां से एक धनी परिवार है, बड़ा अच्छा केस था, आप खुद बताओ उसमें क्या करें। मेरे पास आया, ठीक है, कंसल्टेशन के लिए मैं अच्छी मोटी फीस लेता हूँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारी तो कुछ हजारों में तो फीस दोगे ना पौने घंटे में, तो देती है जनता, नहीं तो कोई। अब वो केस क्या था कि उसमें धनी परिवार है, उनके एक बेटा और एक बेटी है, बेटे की भी शादी हो रखी है और बेटी की भी शादी हो रखी है। बेटे की हाई फाई गुड़गांव वाली बहू है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग और वो स्टाइल वाली, अच्छी नौकरी करती है, अच्छे परिवार की है बेटे की बहू, खूब अमीर परिवार की, जितना इनका परिवार है इस टक्कर का है, उससे बड़ा 19 का 20 हो सकता है उस परिवार की वो लड़की है। ये उस लड़की ने एक ही बच्चा पैदा किया, लड़की छोरी, और जो बेटी है उसके एक लड़का एक लड़की, ठीक है। अब ये परिवार आए, इसमें जो मदर थी वो कह रही थी कि, जो बुजुर्ग महिला है इन लड़का लड़की की माँ है, वो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं बेटी को भी दूंगी, ठीक है। और लॉजिक उसका ये था कि जो बहू है बालक तो दूसरा करती नहीं, छोरा आता नहीं, पुता होता नहीं, तो ये छोरी के जाना है तो इसकी छोरी के जाना है तो मेरी छोरी की दुनिया जाएगा। आई होप इतनी आप हरियाणवी समझ पा रहे हैं, आई होप इट्स नॉट गोइंग ओवर योर हेड, ठीक है। हरियाणवी इज ऑलमोस्ट इट्स अ डायलेक्ट, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, ठीक है। सो व्हाट द मदर सेड द कि आई विल गिव इट टू माय डॉटर आल्सो, बिकॉज फाइनली इफ इट हैज टू गो टू अ डॉटर ओनली आफ्टर माय सन, ठीक है, देन व्हाई नॉट माय डॉटर। तो अब ये तो फीमेल फेमिनिज्म और क्या बोलते हैं फीमेल एम्पावरमेंट वाली बात है, जो कि नॉर्मली वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन लॉजिक क्या है? अगर मैं ये सोच रहा था अगर वो, यानी कि अगर वो जो बहू थी वो बोलती मैं एक और बालक कर लूंगा और वो पोता हो जाता, फिर कहानी चेंज हो जाती। सो ये सब चीजें हैं, मैं बताना चाह रहा हूं समाज में हम कितना, अब सुप्रीम कोर्ट कहते रहते हैं वो सारे परिवार वाले कहते हैं, फिर जा सुप्रीम कोर्ट जाके लिया, ताकि होल फैमिली विल नो कि यू वेंट अगेंस्ट योर ब्रदर एंड दिस थिंग, ताकि तेरे आगे भी बच्चों की शादी में दिक्कत आए। तो इट कम्स एट ए ग्रेट कॉस्ट। कानून बनाना अलग बात है, कानून तो है, लेकिन कानून से वो लेना, फिर आप समाज में गड़बड़ हो जाती है कि दिस फीमेल वेंट अगेंस्ट। आधी लड़कियां ऐसी, मुझे तो भाई का सिर्फ प्यार ही चाहिए, मुझे तो अपने ससुराल, तो तुम फिर महिलाओं का इतना बुरा हाल है। हाउ मेनी ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी आर फीमेल्स प्लीज टाइप एफ, और यू हैव गॉट अ फीमेल सिटिंग नेक्स्ट टू यू, टू ऑफ यू आर लिसनिंग, इफ अ फीमेल इज लिसनिंग टू मी यू कैन टाइप एफ एफ। अगर महिला है, वो लड़की जवान है बूढ़ी है मिडिल एज में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी महिला मुझे सीख रही सुन रही है, और जो वाइफ है, सबसे बुरा हाल है आपका, ना पिता आपका ना पति का आपका। बहुत घरों में बोला जाता है अरे ये तो नेहा की शादी तो इतने अच्छे घर में है,
इसको इतना मिलेगा, अरे क्या कुछ नहीं मिलता उसको, वो सास ससुर जिएंगे 90 साल, नेहा हो जाएगी 65 साल, उसको उसके उसकी खुद की नेहा की दांत और आंत नहीं रहेंगी। और पिताजी यहाँ कुछ दे सकते थे, ये कई बार क्या होता है कि आपकी शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो छोटा भाई हो, या लेट पैदा हो, या बुढ़ापे की औलाद हो, या यंग औलाद हो, या आप बुढ़ापे की औलाद है, तो कई बार दोनों सास ससुर की एज में भी बहुत फर्क हो जाता है। और फिर किसी के माँ बाप जल्दी निपट लेते हैं, किसी के लेट निपटते हैं, वो भी फर्क है भाई। कोई आदमी 70 साल में जा सकता है, कोई 90 में जा सकता है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। और 90 वाले का हो सकता है जो बच्चा था वो बहुत जल्दी पैदा हो गया, और 70 वाले का लेट हुआ, तो उसके अंदर तो प्रैक्टिकल डिफरेंस 30-35 साल का आ जाएगा। तो यहां से जो मिल सकता था वो मिला नहीं, वहां कहा था तेरे को मिलेगा, वहां मिलेगा नहीं, यहाँ तो पूरा जीवन ही कट गया। अरे भैया तुम्हें क्या लेना देना, नेहा का ससुराल अच्छा है या गरीब है, उसका पति कमा रहा है या ये है, वो आपकी बेटी है, उसको हक है, उसको आप दे दो यार। पेरेंट्स को अपने जीते जी एटलीस्ट फंक्शनल कंट्रोल तो देना चाहिए एट सम स्टेज की, भाई ये किराया ये तेरी प्रॉपर्टी होगी, उसको नाम पे, इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, जो प्रॉपर्टी आप चाहते हो आपके बच्चे के नाम पे चाहे जिस वाले के, उसमें उसका 10% हिस्सा कर दो और बोल किराया तू मैनेज करेगा, मेरे अकाउंट में डालाएगा इतना, तू इतना रख लेना, दोनों को रखवाओ। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाए तो वो उनका हिस्सा थोड़ा बढ़ाता जाओ, एक दिन तो सारा छूट ही जाना है, नाम पे थोड़ा सा कर दो, वो ट्रांसफर बहुत इजी होता है। नहीं तो वो मेरा बाप ये था नत्था सिंह, मेरे नेहा का बाप था, वो प्रूव करने में जान निकल जाती है, फिर वो रोना ये नहीं समझ में आता मरने के बाद। मैंने देखा है परिवारों में कि इंसान के जाने का रोना था या जो रायता फैला के गया उसका रोना है। ये मैं अगेन, अब ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं आपको हिंट ही देता जा रहा हूँ कि मेंबरशिप में क्या क्या सीखने को आगे मिलेगा। ये विल ले लिखना, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कराना, राजी खुशी कराना। अरे वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती नेहा अगर उसका 10% का हिस्सा है, कुछ नहीं आपका जा रहा, कुछ नहीं लुट रहे आप, 100 रुपए किराया आ रहा है, उसने 15 रुपए रख लिया और वही किराएदार को कॉल करती है, किराएदार बुलाती है, मैनेज करती है, बिजली का हिसाब करती है, पानी का हिसाब करती है, प्लम्बर भेजती है, इलेक्ट्रिशियन भेजती है, सारे डंडे वही कर रही है, तो उसको रखने दे यार 15-20 रुपए। ब्रोकर वो लेकर आती है, लीज वो एग्रीमेंट वो बनाती है, सब कुछ वो करती है, आपके अकाउंट में ईमानदारी से रख रही है, तो आप ले लो। आधे पेरेंट्स तो बुढ़ापे में प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहते, संभालेगा कौन, अरे तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरा दामाद, तेरी बहू, तेरा पोता, तेरी पोती, तेरी धोती, तेरे धोता, वो संभाल लेंगे। नहीं वो कैसे, क्यों, अरे उनको पैसे दे, प्रॉपर्टी डीलर कैसे संभालता है, पैसे मिलते हैं उसको 15 दिन का, 1 महीने का किराया मिलता है, संभाल लेता है। अरे डीलर संभाल लेते, बच्चे नहीं संभालेंगे, पेरेंट्स बहुत लालची हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ आइडेंटिफाइंग विद दिस, और कितनों को ये सब बुरा लग रहा है कि यार तू ऐसे मत बोल, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हैं, मैं 65 साल का हूं, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है, हम ऐसे नहीं, ऐसी बातें मत कर। जिन जिनको बुरा लग रहा है प्लीज बी टाइप कर दो यार, ऐसे मत कर, पेरेंट्स के पेरेंट्स भगवान होते, पेरेंट्स भगवान नहीं होते, भगवान बहुत ही फॉरगिविंग और फॉरगेटिंग है, पेरेंट्स ना तो फॉरगेट करते ना फॉरगिव करते, तो भगवान कैसे है, भगवान तुल्य बोल लो उनको, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है, इंसान ही है, आप जैसे हैं जितने, और मूर्खता अगर आप मूर्ख हैं तो आपके पेरेंट्स ने मूर्ख ही, ठीक है, तो ऐसे ही है हमारे समाज के। सबसे बड़ा खेल पेरेंट्स का क्या बिगड़ रहा है, वो सोच रहे हैं वो 65-70 में मर जाएंगे और वो मरेंगे 90-95 में, प्रॉब्लम ये है वो समझ नहीं आ रहा उन्हें खेलना कैसे, जो उठा के छक्के मारने की कोशिश करते हैं बाउंड्री वॉल पे कैच आउट हो जाएंगे, उनके छक्के लग जाते हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहे तो आउट ही नहीं हो रहे, आउट ही नहीं हो रहे, आउट ही नहीं हो रहे, अभी आउट नहीं हो रहे तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना, पानी नींबू पानी पीना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन से बचना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, लंबे के जूते अच्छे तक लेने पड़ेंगे, मतलब यू हैव टू प्ले फॉर फुल डे सपोज, तो यू हैव टू मेंटली, आप जाके सोचो मैं तो बस 4 ओवर ही खेलना है, तो 20-20 नहीं है यहाँ, पता नहीं कितने ओवर खेलने पड़ जाए, क्योंकि जैसे आप 20-20 खेलते हैं वैसे वनडे नहीं खेलते, जैसे वनडे खेलते वैसे टेस्ट मैच नहीं खेलते। अब वो इंडिया वेस्ट इंडीज इसका चल रहा है, 2 का रन रेट पे बना रहे हैं, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी तो 200 बॉलों पे मारी, वो अलग खेल कर रहा है, वनडे के अंदर भी 100 रन मार देता है, 20-20 में भी 100 बनते हैं, टेस्ट मैच में भी 100 बनता है और वनडे में 100 बनता है, देखो कैसे बनता है, ठीक है, तो ये समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को, पेरेंट्स की निंदा नहीं है, ये समझ में आ गई, हैव आई मेड यू अंडरस्टूड, ठीक है। इस पे किसी को सवाल है तो प्लीज एडमिन को लिख सकता है, कोई भी सवाल किसी के मन पे अभी आ रहा है, मैं 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूँ, ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 30 सेकेंड्स का ब्रेक आल टेक, आप लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं,
ओके, somebody is asked how to convince parents to leave sell their property. You have to tell parents कि after selling the property जो पैसा आएगा उससे उनकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या पॉजिटिव चेंज आएगा. अगर आप पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बिकवा कर खुद पैसे हड़पना चाहते हो या अपनी प्रॉपर्टी में लेना चाहते हो और उनको वो कहते बेटा रहने दे, हम वो, और पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हमारी इज्जत है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या ऐसे नहीं करते. वो एक ओलेक्स पे एक ऐड आता था, एक वो बोला दादू ये गाड़ी बिक रही है इसको बेच दे. नहीं बेटा, इसमें तेरी दादी की यादें, और फिर बोलता लाख रुपए की बिक्री, कहता बेच दे. जैसे ही वो अमाउंट का चक्कर है और उस अमाउंट से उनको क्या फायदा हो, आपको बता रहा है पेरेंट्स को कि ये प्रॉपर्टी इतने की बिकेगी, हम ये वाली लेंगे, उसमें मेरा इतना पैसा होगा, मम्मी के नाम पे इतना हिस्सा होगा, इतना आपका लगेगा, इतना रेंट आपको मिलेगा, और आपको ये फायदा होगा, तभी वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ये सबसे वो कभी बच्चे हमेशा पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, और पेरेंट्स वो कहते हैं ना हम तुम्हार बाप हैं, वो तुम्हारे ही माँ बाप है, उन्हें सब पता है ये लीचड़ बेटा है लीचड़ बेटी है, ये हमारा कुछ खाना चाहता है. जब उनको ये एहसास होगा नहीं यार ये प्रेजेंटेशन देनी है आपको, ठीक है, वो शार्क टैंक इंडिया में देते हैं कि भाई दिस इज द प्रपोजल, तब वो करेंगे. हैव दिस पॉइंट बीइंग अंडरस्टूड आप लोग से, ठीक है. मदर नीड्स केयर टेकिंग एंड फंड्स आर देयर, शुड द डिविजन बी डन व्हाइल शी अलाइव और आफ्टर हर खर्चा इज ऑल्सो देयर. देखो मदर को इतना खर्चे का बनाना ये बहुत ही ये विचलित करना है, मेरे लिए विचलित करना है. उसका पैसा कर दे, उसका खर्चा है, उसका खर्चा है, उसका खर्चा आप क्यों नहीं दे सकते. मदर के पास पैसे नहीं होते तो आप नहीं दे सकते थे. इतनी छोटी बात करना, मतलब आप ये कह लो कि भाई आप अपनी सब कुछ, जो भी आपका सिबलिंग है शुड बी ऑन बोर्ड, एंड यू से कि भाई ये सारा जीते जी कर. पहली बात तो मैं ही बता रहा हूं, अगर भाई बहनों में प्यार है, ध्यान से सुनो मेरी बात, दो भाई बहने हैं, दो भाई भाई हैं, दो बहने, उनमें बहुत प्यार है, और माता पिता का कुछ अपना ही एड़ा काम, माता कहती है कि बड़े वाले भाऊ जो है मेरे को नमस्ते नहीं करती, मैं सारी प्रॉपर्टी छोटे वाले को देके जा रही, और वो सारी वाली छोटे वाले को देके चली जाती. पर दोनों भाइयों में बहुत प्यार है. छोटा भाई कहता है भाई ये आधी तेरी, ये ले, माँ ने मेरे को दी पूरी, आधी तेरी, आई लव यू. इज इट पॉसिबल थियोरेटिकली, यस ऑर नो, प्लीज टाइप यस ऑर नो, प्लीज टाइप यस ऑर नो, जो मैंने बात बोली. अगर सिबलिंग्स में बहुत प्यार है, सिबलिंग्स में प्यार है, बाढ़ में गए माँ बाप यार, जिसको कर इतने माँ बाप में दम नहीं है किसी में कि वो पड़ोसी को देके चले, इंडियन पेरेंट्स में दम नहीं है, ठीक है. और इतने बदतमीज इंडियन बच्चे हैं भी, ये भी एक फैक्ट है कि एक बदतमीज हो सकता है, दोनों नहीं होते, ठीक है. तो कर लो, अपने अपने सिबलिंग से बना के रखो. पर होता क्या है, लालच. मुझे 100 रुपए मिल गए तो मैं भाई के साथ बहन के साथ क्यों शेयर करूं. आपकी अगर बहन है उसको बोल के रखो कि बहन तेरे को मिलेगा, चाहे मेरे को देके जाए, आई लव. आप देखो आप कहां से कहां पहुंचते. जिनकी बहनें खुश होती हैं, प्यार करती हैं, उनके भाई बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं. और जहां बहनें नाराज होती हैं, मरकरी ही नाराज हो जाए एस्ट्रोलॉजी में, वहां कुछ वैसे नहीं मिलना. आपको लग रहा है वो मिल रहा है, वो लगेगा कुछ नहीं आपका, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है. देखो आप लोग क्या करने लग गए हैं सवाल में, वी हैव दिस, यू हैव दिस, टेक माई कंसल्टेशन, अच्छी फीस है ना. आप जो मैंने सिखाया है एज मास्टर जी गुरु जी, जो चीज सिखाई है उसको नहीं पूछना चाह रहे. एम तो वही है ना, क्लास में जो समझाया गया उस पे सवाल पूछो. आप कह रहे हो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पैसे लग. अब बोलोगे पैसे तो मैंने दे दिए यहाँ पे. अरे नहीं नहीं, ये तो क्लास के पैसे, ठीक है, ये तो क्लास के पैसे, स्कूल में आने के पैसे, ठीक है, वो अलग लगेंगे और वो बहुत मोटी फीस है. या तो आप सीख लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है. लोगों को इनहेरेंटली पेरेंट्स सिबलिंग्स और हम जो एज ए फैमिली है, हम बहुत खराब नहीं है. हम अपनी कॉन्शियस को दबा देते हैं कुछ भी उसको स्टोरियां सुना के. इफ समबडी कम्स एक्सटर्नल एंड टेल्स दस पीपल की सुन, तू इससे तेरी कॉन्शियस क्लियर नहीं होगी, तू मरेगा लेकिन तूने गलत किया और तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष तो नहीं मिलने वाला क्योंकि तू ये सब रायता फैला के गया पिताजी या माता जी अपने बच्चों के. वर्स्ट चीज वो होती है जो पेरेंट्स खुद देखते हैं कि ये बीज बोए गए, इनने कोर्ट में जाना है और अपने रहते रहते उसको ठीक नहीं करते. एक बड़ा वो था, दो भाई लड़ रहे थे, बहुत टॉप इंडिया का, अभी नंबर दो कभी नंबर वन बनता है वो, मुंबई वाला बिजनेस फैमिली, छोटा भाई अब बैंकरप्ट हो रखा है. वो बड़े लड़ रहे थे, माँ ने जैसे बोला छोर या ना भी दूंगी मैं, तीन बहन है शायद, और एकदम दोनों भाई ठीक मान गए. अब आप बी आर ओके, एक मिनट में सेट कर दिया माँ ने,
दोनों पब्लिकली लड़ रहे थे। तो यानी माता पिता अगर करना चाहे तो एक सेकंड में कर सकते हैं। दो भाई लड़ रहे हैं, वो बोल मैं तो बहन को दे दूंगी, मैं तो पड़ोसी को दे दूंगी, चाचा के लड़के को दे दूंगी, मैं तो ट्रस्ट को दे दूंगी, गौशाला में दे दूंगी, अपने आप सेट हो जाएंगे। पर माँ बाप नहीं चाहते, माँ बाप फेवरेटिज्म में, डिवाइड एंड रूल में मजा आता है, ये एक फैक्ट है। पर इन चीजों को पब्लिकली नहीं बताया जा सकता, कोड़े पड़ते हैं, पर ये सच है और ये इंडियन फैमिलीज का ही सच है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज आर मच बेटर इन ऑल दिस। हम जबरदस्ती का प्राइड लेते हैं कल्चर और उस चीज का, हम इंडियंस हैं, ये हैं। जस्ट सी व्हाट हैपेंस टू आवर फैमिलीज आफ्टर समबडी गोज एंड कितने कलेश हैं हमारे। ठीक है, हाउ टू गेट इक्वल शेयर इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी देन इफ टू सिबलिंग्स आर, वो भैया वो दैट पेरेंट्स के हाथ में, आपके पास नहीं है ये हक कि हाउ विल यू गेट दैट, दे विल डिसाइड। अगर पिताजी ने लॉ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बन सकता है, पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो उनकी मर्जी है, वो बीवी को दें, बच्चे को दें, पड़ोसी को दें, अनाथालय को दें, उस पर आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। आप उनकी चाटुकारिता कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, वो ही विल कॉल द शॉट्स। आपका किसी का कोई हक नहीं है किसी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, कुछ की किधर देके जाएगा, तेरे को करना ही पड़ेगा ऐसे। और अगर पेरेंट डिटैच हो जाए तो फिर आप अपनी रोड पे घूमो, अपना काम करो। ठीक है, कैन फादर इन लॉ ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बहू? एनी पर्सन कैन ट्रांसफर हिज ओन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू एनी बडी, बहू की, एनी बडी होम ही विशेष, मेड का लड़का। कई लोगों ने ये भी किया है, वो मेड इतनी सेवा करती थी, मेड के लड़के को दे गया क्योंकि वो अपने वाले पूछते नहीं थे। ठीक है, तो वो मेड के लड़के को दे गया। कई बार क्या होता है, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, वो कहते तू मेड के लड़के को दे जा, तेरी चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो पता चल जाता है, रिश्तों से पता चल जाता है। अब आखिरी चीज आई विल कवर, नहीं तो लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मजा आ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अभी व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ ब्रेक, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।